प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे कि विद्या बालन के एक बयान पे तगड़ा भड़क गई भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अली खान जी। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि नाज़िया अली खान जी को विद्या बालन पे गुस्सा क्यों आया। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय जय श्री राम, भारत माता की जय। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि विद्या बालन को सनातन धर्म की विद्या से हुई नफरत, विद्या बालन को भगवत गीता के विद्या से हुई नफरत, विद्या बालन को श्रीमंत भगवत गीता और ऋग्वेद महाभारत रामायणा के विद्याओं से हुई नफरत। और जब ये नफरत ही थी ही तो उन्होंने इसका इजहार भी बड़ा डंके की चोट पे किया है, बड़ा छाती पीट कर किया है। हो सकता है कि विद्या बालन जीसस को मान करके ही हीरो हुई है और जीसस को ना माने तो जीरो हुई है, पर जानना ये भी जरूरी होगा विद्या बालन मोहतरमा से कि जब किसी क्रिश्चियन लड़की का मुसलमान लड़का बलात्कार करता है तब ये कहाँ गायब हो जाती हैं, तब ये अपनी टिप्पणियां क्यों नहीं सामने आकर रखती हैं। देखिए हरि भाई, आज हम जैसे युवा मैदान में उतर करके बहुत वोकल वॉइस हो करके बातें रख रहे हैं, इसलिए कुछ लोगों की नींद खुल रही है। क्या से लेकर के विद्या बालन तक ने क्या मुगलों का प्रचार अपने फिल्मों के द्वारा नहीं किया है? क्या सनातन धर्म के खिलाफ लेकर के विद्या बालन तक क्या अपनी फिल्मों के द्वारा जहर नहीं उगला है? उगला है, उगला है। हमेशा जो है वो मुगलों को ज्यादा बेहतर बताया करते थे और सनातन धर्म को वो हमेशा दिखाते थे कि वो या तो काली माँ से वो बहुत परेशान है, उनको बहुत शिकायत है, या तो भगवान राम से उनको बहुत शिकायत है। तो हमेशा बॉलीवुड ने सनातन धर्म को मलाइन करने की, डिफेम करने की हमेशा कोशिश की है। याद कीजिए मूवी और पीके में जिस हिसाब से उसने सनातन धर्म से लेकर के मुसलमान मजहब को भी मलाइन किया था, पर ज्यादा मात्रा में सनातन धर्म को मलाइन किया था उसने, ज्यादा डेरोगेटरी रिमार्क और ज्यादा डेफोमेटरी जो एक्शंस दिखाई दिए हैं वो ज्यादा सनातन धर्म के अगेंस्ट दिखाई दिए हैं। उसने तावीज का भी मजाक उड़ाया, उसने मजार का भी मजाक उड़ाया, उसने मौलवी मुल्लाओं का भी मजाक उड़ाया, पर आधी फिल्म से ज्यादा फिल्म में उसने सनातन धर्म का मजाक उड़ाया। अब आते हैं फिर अमिताभ बच्चन की बहुत सारी मूवीज आप देखिएगा जिसमें वो एक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का एक पर्दा अपने छाती पर रखा हुआ है और अमिताभ बच्चन कह रहा है कि तू तीर मार, तलवार मार, कोई कुछ नहीं करेगा क्योंकि अल्लाह मेरे साथ है। पर हमेशा दिखाया गया कि वो मंदिर की घंटियों से अपना माथा फोड़ रहा है, वो मंदिर के चौखट पे अपना माथा फोड़ रहा है, पर भगवान उसके उसके हित में कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप शुरू से आखिर तक देखिए, बॉलीवुड ने हमेशा सनातन धर्म को मलाइन किया है। आप देखिए मदर इंडिया में एक पुरोहित मंदिर से पूजा करके निकल रहा था और उसने नरगिस का बलात्कार करने का कोशिश किया। याद कीजिए उस सीन को, आपको याद आ जाएगा। आप देखिए अग्निपथ को, उसमें देखिए बहुत बड़ा एक हिंदू भक्त दिखाया गया है और वो बड़ा पाठ पूजा कर रहा है और उसके बाद गणेश भगवान का पाठ पूजा किया है और उसके बाद अपने मन में किसी का मर्डर करने के लिए गया है। तो आप, मैं ऐसी कई फिल्मों का उदाहरण दे सकती हूँ, ऐसी कई फिल्मों के बारे में मैं बता सकती हूँ जिसमें शुरू से एक स्टार्टिंग से बॉलीवुड ने सनातन धर्म को मलाइन करने की कोशिश की है। देखिए विद्या बालन एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो सक्सेसफुल रही नहीं, मैंने तो कभी इनकी कोई फिल्म देखी नहीं है क्योंकि मेरी नजर में ये इनका इनकी चवन्नी बराबर भी औकात नहीं है, मेरी जुत्ती बराबर भी औकात नहीं है।
एक बड़े उद्योगपति को एक बड़े प्रोड्यूसर को पकड़ करके जाल में फंसा करके शादी कर लेना और उसके बाद फिर अपना अपना खर्चा चलाना, इसको हम वैल्यू कभी नहीं देते हैं और ना ही देना चाहिए। और हम जैसी लड़कियां जो अपने बलबूते पर अपनी गाढ़ी कमाई से खाते हैं, कमाते हैं और अपना घर चलाते हैं और इज्जत आबरू से रहते हैं, हम जैसे लोग तो ऐसी ऐसी महिलाओं को इज्जत नहीं दे सकते। विद्या बालन हालिया में एक इंटरव्यू में बैठी थी अनफिल्टर्ड बाय संदेश सैमदेश। इस इंटरव्यू में इन्होंने साफ लब्जों में कहा है कि किसी भी रिलीजियस स्ट्रक्चर को ये डोनेशन नहीं देती है। किसी भी रिलीजियस स्ट्रक्चर, मंदिर हो, मठ हो, ऐसी जगहों पर इनको डोनेशन देना मतलब बेकार लगता है, बेकार। इन्होंने क्रिस्टल क्लियर अपने लफ्जों में कहा है कि बेकार लगता है। ये डोनेशन वहां देती है जहां स्कूल हो, जहां क्या इन्होंने कहा है, स्कूल को डोनेट करती हैं, ये टॉयलेट को डोनेट करती हैं, ये ऐसी इंस्टीट्यूशन को डोनेट करना पसंद करती हैं। पर मैंने तो नहीं सुना कि इन्होंने किसी टॉयलेट को डोनेट किया है या इन्होंने किसी इंस्टीट्यूशन को डोनेट किया है या इन्होंने किसी स्कूल को डोनेट किया है या इन्होंने किसी हॉस्पिटल को डोनेट किया है। ये तो मैंने नहीं सुना कि विद्या बालन एक फिलैंथ्रोपिस्ट की तरह या सोशल एक्टिविस्ट की तरह कभी नजर आई है। हर डर्टी पिक्चर में गंदगी फैलाते हुए और हमारे देश की महिलाओं को उनके संस्कार से भटकाते हुए जरूर नजर आए। अब विद्या बालन को कैसे बताया जाए, कैसे समझाया जाए कि पटना में छोटा सा महावीर मंदिर है, महावीर हनुमान मंदिर, जो 5 संस्थाएं चलाता है, जिसमें कई कैंसर हॉस्पिटल है, जिसमें हार्ट इंस्टीट्यूट है, जिसमें बहुत सारे स्कूल चलते हैं, एक पटना का छोटा सा महावीर हनुमान मंदिर जो तकरीबन 5-6 ऐसे इंस्टीट्यूट और संस्थान चला रहा है जिससे कई अनाथ बच्चे पढ़ते हैं, जिससे कई गरीबों का इलाज होता है, जिससे कई साफ सफाई पूरे एरिया में करवाई जाती है, जहां पर मठों में, गुरुकुल में उन बच्चों को सिविलाइजेशन, भारत की सिविलाइजेशन और सनातन धर्म की सिविलाइजेशन के साथ साथ उनको एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी दिया जाता है। अब इनको कौन बताए, कैसे इनको समझाया जाए कि हमारे देश की मंदिरें जो हैं वो सरकार को टैक्स देती हैं और जो ये रोड पर ये लोग फरारी और मर्सिडीज चलाती हैं वो टैक्स से वो भी बन रहा होता है, वो ये भी बन रहा होता है। दीदी ऐसी शिकायतें आती है, ये टैक्स चोरी कर रहे होते हैं जुगाड़ लगा के कैसे भी करके। मुझे लगता है कि ऐसी ऐसी जितनी भी एक्ट्रेस हैं, कल को हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इनको टिकट दे देगी, फिर ये नेता के रूप में नजर आएंगी, फिर ये हो सकता है कि जिया पर्दा की तरह जीत भी जाएं और फिर सनातन धर्म से घिन और नफरत करते हुए पार्लियामेंट भी पहुंच जाएं, संविधान के ऊपर हाथ रख कर करके शपथ भी ले लें जिया पर्दा की तरह, और उसके बाद भी फिर लोगों से और मीडिया से इतनी बदतमीजी करें कि फिर लोगों को समझ में आएगा कि भाई ये हमने क्या पाप कर दिया। तो बेटर है कि इसने जहर पहले ही उगल दिया और लोगों को समझ में आ चुका कि विद्या बालन जो है वो जो डर्टी पिक्चर में दिखाई गई थी, जो दर्शाई गई थी, वो बेसिकली वही विद्या बालन है। बाकी वो साड़ी पहन ले, बिंदी लगा ले, ये सब इनका छल है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। बहुत दिन हो गए थे इनको बातों में रहे हुए या मीडिया में रहे हुए, तो एक बाइट के थ्रू कम से कम ये मीडिया में आ गई। या क्या मैं सही तो कह रहा हूँ ना कि मतलब कम से कम डिस्कशन में नहीं थी, आउट ऑफ डिस्कशन थी, अब कम से कम डिस्कशन में आ गई। अब ऑफ शोल्डर पहनेगी, छोटा छोटा कपड़ा पहनेगी तो कोई देखना पसंद तो करेगा नहीं। औरत जब तक मेंटेन रहती है तब तक वो एसेट रहती है, वो जहां अदरक की तरह फैल जाती है तो वो लायबिलिटी हो जाती है। तो वो समझ चुकी है विद्या बालन कि वो अब लायबिलिटी हो चुकी है, वो एसेट है नहीं। तो इस तरीके का जहर उगलने से, और अभी क्योंकि सिनेरियो सबको पता है कि भारत अपनी सिविलाइजेशन की तरफ लौट रहा है, भारत के युवा जो है वो अपने आप को भारत का पुत्र कहलाना और पुत्री कहलाना ज्यादा पसंद करता है। जहां पर हेलो मम्मी हेलो पापा होता था वहां पर अब पैर छू करके आशीर्वाद लेना स्टार्ट हुआ है, भारत की सभ्यता वापस आ रही है। तो इन्होंने सोचा कि फिर से एक बार हम कुछ ऐसा बोले। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और खासकर आपको जानने को मिला होगा क्यों नाज़िया अली खान जी विद्या बालन पे भड़क गई, खासकर विद्या बालन के इस बयान पे कि मंदिरों को दान नहीं देना चाहिए बल्कि उसके बजाय
हॉस्पिटल्स और सैनिटेशन की जो जगह होती है उनको दान देना चाहिए। वो चाहे जिस मर्जी को पैसा दे, पर उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए कि मंदिरों को दान नहीं दें। ये हर एक बंदे की अपनी इंडिविजुअल चॉइस है। और दूसरी ओर वो एक तरफ कह रही हैं कि जीसस इज माय हीरो, वो भी उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, पर ऐसा ना करें कि एक धर्म को आप बढ़ावा दें और दूसरे ही धर्म को आप मलाइन करें, वो भी उस धर्म को जिस धर्म से आपके रूट्स जुड़े हैं और उसी धर्म से आप आती हैं। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।